नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। गुजरात चुनाव के बाद हाल के विधानसभा चुनावों में भी राहुल गांधी के मंदिर दौरे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन कांग्रेस में ये बदलाव अचानक नहीं आया। इस बदलाव की नींव तो 2014 के चुनाव में हार के बाद एक कांग्रेसी नेता ने रख दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2014 की कांग्रेसी हार के लिए पार्टी की छवि को जिम्मेदार ठहराया था। इस नेता का नाम था एके एंटनी। आज एके एंटनी का 78वां जन्मदिन है। एंटनी वर्तमान समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता तो हैं ही, लेकिन हालिया समय में कांग्रेस में आए बदलावों की भी एक बड़ी वजह हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में पटखनी खाने के बाद हार की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो पार्टी के लिए चौंकाने वाली थी। राजनीति के जानकारों के बीच माना जाता है कि राहुल गांधी जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं उसके पीछे एंटनी की रिपोर्ट का ही हाथ है। एंटनी 2006 से 2014 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। इससे पहले उन्हें कांग्रेस की तरफ से 3 बार केरल का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। एके एंटनी का जन्म केरल के अलापुसा जिले के चरताला में 28 दिसंबर 1940 में हुआ था। एंटनी ने अपने राजनीति की शुरुआत एम ए जॉन के नेतृत्व में छात्र नेता के रूप में की थी। केरल छात्र संघ में उन्होंने एक एक्टिविस्ट के तौर पर दस्तक दी और 1966 में केरल छात्र संघ के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। एके एंटनी को पार्टी ने राज्य की कमान 1972 में सौंपी। 1972 में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वह यह पोस्ट संभालने वाले सबसे युवा नेता बने। 27 अप्रैल 1977 में एंटनी को पहली बार केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। वह राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1995 में जब केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरन ने इस्तीफा दिया तो एक बार फिर राज्य की कमान पार्टी ने एके एंटनी को सौंप दी। 2014 चुनाव में मिली करारी हार ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिना गहन चिंतन और अध्ययन के उसके आगे की राजनीति वजूद बचाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगी, और इसके लिए एंटनी को ये काम सौंपना एक अच्छा और सही कदम था। कांग्रेस की पूरी रणनीति जिससे उन्होंने 55 सालों तक राज किया उसके बदलने का समय आ गया था, क्योंकि देश की राजनीतिक दिशा लगभग बदल गई थी नरेंद्र मोदी के आने के बाद। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के वही पुराने सियासी जमीन पर अगर चलते रहते तो शायद समय के इतिहास में किसी पन्ने पर बस नाम मात्र के लिए दर्ज रह जाते। लेकिन कांग्रेस की आज बदली हुई रणनीति भाजपा को हैरान और परेशान कर रही है, और कांग्रेस के लिए यह एक अच्छा संकेत है कि वह आने वाले समय में शायद अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस पा ले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं।